एमीटर की रेजिस्टेंस 0.80 ओम्स है। पढ़ते ही मुझे क्या पता लगा, ये क्वेश्चन किस मीटर पे है, एमीटर पे है। तो एमीटर की रेजिस्टेंस मुझे गिवन है, मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। अब मैं पक्का श्योर हूं क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो मिली एम्पियर में मेजर करता है और ये तो 1 एम्पियर है, तो ये गैल्वेनोमीटर नहीं हो सकता, इसका नाम क्या है, एमीटर ही है, और बोल भी तो रहा है एमीटर, दो चीजें देती। अब कह रहे व्हाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल एमीटर टू मेजर अप टू 5 एम्पियर। वो क्या चाह रहा है, एमीटर सफिशियंट नहीं है, ले तो आया है वो एमीटर 1 एम्पियर का, पर वो सफिशियंट नहीं है, उसे कितने एम्पियर का चाहिए, 5 एम्पियर का। तो एक नया एमीटर लाना पड़ेगा या पुराने एमीटर को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई। अभी तो वही बात हो गई कि स्टार्ट कहां से होते हैं, गैल्वेनोमीटर, शंट लगा के क्या करते हैं, एमीटर, और शंट लगाएंगे तो एक नया एमीटर, और शंट लगानी है एक नया एमीटर, जितने मर्जी एमीटर बना लो। तो गैल्वेनोमीटर छोटा करंट मेजर करता है, एमीटर थोड़ा बड़ा करेगा 1 एम्पियर, और बड़ा करना है शंट लगाओ 5 एम्पियर, और बड़ा करना है शंट लगाओ 10 एम्पियर, और बड़ा करना है जितना मर्जी करते रहो शंट लगाते जाओ। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एमीटर, ठीक है यहां तक। अब मेरी क्या प्रॉब्लम थी कि वो कह रहे हैं एमीटर की रेजिस्टेंस मुझे दे रहे हैं। अब मन में सोच रहा हूं एमीटर बना किसका होता है, एमीटर बना होता है गैल्वेनोमीटर का और शंट का, इसका मतलब मुझे गैल्वेनोमीटर और शंट की टोटल रेजिस्टेंस दे रहा है कितनी, 0.80 ओम। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार इतनी बड़ी रेजिस्टेंस दे रहा है और फिर से एमीटर पूछ रहा है। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया, एक काम करते हैं कि जो पुराना मीटर है जो 1 एम्पियर करंट मेजर करता है उसका नाम मैं अपने मन में रख लेता हूं, किसी को बताऊंगा नहीं, वो गैल्वेनोमीटर ही है, नाम ही रखना है, आपको नहीं बताऊंगा, आपको बोलता रहूंगा एमीटर, पर मन में क्या सोचूंगा, गैल्वेनोमीटर, क्योंकि दोनों के दोनों क्या मेजर करते हैं, करंट। और एक नया एमीटर बनाऊंगा फ्रॉम गैल्वेनोमीटर जो 1 एम्पियर की जगह क्या मेजर करेगा, 5 एम्पियर। अपने मन में नाम ही चेंज किया, इस पुराने एमीटर का नाम गैल्वेनोमीटर रख दिया, अपने मन में सोचा गैल्वेनोमीटर है जो सिर्फ छोटा करंट मेजर कर रहा है 1 एम्पियर और बड़ा करंट मेजर करवाना है 5 एम्पियर। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस पुराने मीटर में इसको अपने दिखाने के लिए तो एमीटर है, मन में क्या मान लिया, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस पता है, और ये जो करंट गैल्वेनोमीटर या एमीटर मेजर कर रहा है वो आईजी ले लिया, शंट रिक्वायर्ड में एस ले लिया, और आई यानी कि 5 एम्पियर करंट मेजर करें, तो सीधा शंट का फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। अब स्टूडेंट कहा ऐसे कैसे हो सकता है यार, पुराना एमीटर तो एमीटर है ना, वो गैल्वेनोमीटर थोड़ी ना है, उसमें तो ऑलरेडी शंट लगी होगी, भाई तुम्हें क्या लेना, तुम टोटल रेजिस्टेंस की बात करो, टोटल रेजिस्टेंस मान लो उसकी जी है, बात ही खत्म हो गई। अब इसका मतलब ये समझें कि अगर कोई ये कहे कि सबसे पहला मीटर तो गैल्वेनोमीटर है, दूसरा मीटर एमीटर है, चलो मैं एमीटर का नाम चेंज करता हूं आज के बाद, पहला मीटर गैल्वेनोमीटर है, दूसरा मीटर बड़ा गैल्वेनोमीटर है, तीसरा मीटर एमीटर नहीं है, एक और बड़ा गैल्वेनोमीटर है। तो अगर आप मीटर से मीटर, मीटर से मीटर, मीटर से मीटर निकाल रहे हो और उसकी करंट की रेंज बढ़ाते जा रहे हो, तो पुराना मीटर का नाम रख देते हो गैल्वेनोमीटर, नए मीटर का नाम रख देते हो एमीटर, तो बात तो वही हो गई ना। तो गैल्वेनोमीटर से जो एमीटर काम कर रहा है वो एमीटर से एमीटर भी वही काम कर रहा है, सर नाम का ही फर्क है, अब नाम मत लो, अपना नाम लगा लो, ऐसे बोल लो पुराना मीटर नया मीटर। तो अगर आपको करंट की रेंज बढ़ानी है 1 एम्पियर से 5 एम्पियर, तो पुराना मीटर चाहे जो मर्जी नाम रखे हैं मीटर, आप क्या नाम रखे हैं उसका अपने मन में, गैल्वेनोमीटर है। तो पुराना मीटर जो कम करंट मेजर करता है वो गैल्वेनोमीटर नाम दे दो, और नया जो मीटर है जो ज्यादा करंट मेजर करता है वो एमीटर नाम दे दो। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको जी लिया, आई जी लिया 1 एम्पियर, और मैंने शंट निकाल दी। अब इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड शंट, तो कह रहे हैं शंट आ गई ना, पुराना जो एमीटर या पुरानी मशीन है जो, उसकी रेजिस्टेंस है कितनी, 0.80 जी, और आपको क्या निकालना है, नई रेजिस्टेंस निकालनी है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, गैल्वेनोमीटर यानी जो पुराना मीटर है और शंट, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आंसर। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो यहां पर कंफ्यूजन एमीटर और गैल्वेनोमीटर की हो जाती है, तो आपने कुछ नहीं करना, पुराना और नया मीटर नाम रख देना है, पुराने का नाम हमेशा गैल्वेनोमीटर, नया का नाम जो मर्जी रखो। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
गैल्वेनोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजंस पर मिली एम्पियर. तो गैल्वेनोमीटर के अंदर 10 डिवीजंस पे कितना करंट मेजर होता है, कितना, 1 मिली एम्पियर. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस कितनी है, जी. इफ शंट इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, अब समझ में आ रहा है, एमीटर बनाने की कोशिश कर रहा होगा, एंड देयर आर 50 डिवीजन इन ऑल, तो मीटर में टोटल कितने डिवीजन है, 50. किस में, गैल्वेनोमीटर में 50 डिवीजन है. तो कह रहे हैं इन ऑन द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हाट मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर कैन रीड. अब अगर गैल्वेनोमीटर का करंट आपको वो दे रहा है कि गैल्वेनोमीटर 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर मेजर करता है और मैक्सिमम डिवीजन कितनी है, 50. तो मैंने भी काम किया, मैंने कहा देखो 10 डिवीजन में इतना करंट है, 1 में इतना करंट है, 50 में इतना करंट है. आंसर मैंने कहा जी आंसर आ गया. क्या आंसर आ गया कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकता है वो इतना है. क्या कोई इसमें डाउट, यही पूछा उसने कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है. आंसर आ गया, मेरे हिसाब से आंसर आ गया. पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगी हुई है, शंट. तो ओवरऑल इस पूरे मीटर का नाम क्या है, एमीटर. कि गैल्वेनोमीटर के साथ जब शंट लगती है तो ओवरऑल मीटर का नाम तो एमीटर हो गया. तो वो ये पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर के साथ अगर शंट लगा दें अब वो कितना करंट मेजर करेगा, वो आईजी तो नहीं करेगा ना, आईजी तो अकेला गैल्वेनोमीटर करेगा. शंट लगाने के बाद, शंट लगाने के बाद वो आई करंट मेजर करेगा. शंट का फॉर्मूला पता है आपको, इसमें शंट पता है आपको, इसमें आईजी पता है, आप यहां से आई की वैल्यू निकाल लेना आंसर. तो इनस्टेड कि वो क्वेश्चन में ये लिखे कि कितना करंट एम मीटर रीड करता है, क्योंकि एक्चुअल में तो गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगी हुई है, तो एक्चुअल में तो ये क्या है, ये एक एमीटर है. तो अगर बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन अगर वो हमसे ये पूछता कि एमीटर अब क्या करंट मेजर करता है, पर उसने बड़ी चलाकी दिखाई, उसने कहा जी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ले लो, गैल्वेनोमीटर का करंट भी आ गया और कह रहा है अब गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करेगा. गलती वो भी नहीं कर रहा कि गैल्वेनोमीटर जब शंट लगती है तो ओवरऑल जो रेंज है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो आई करंट मेजर किया जाता है पूरे विद शंट, विदाउट शंट ये रहा, विद शंट ये रहा. तो समझ में आ रहा है कि वो क्वेश्चन में कैसे घुमाएगा आपको, नाम नहीं लेगा एमीटर, एमीटर को छुपा के नाम फिर से क्या लेगा, गैल्वेनोमीटर. तक क्योंकि लोगों को याद है ना, अगर एमीटर उसने ले दिया सबको पता है ये आई मेजर करने को बोल रहा है. क्लियर है यहां तक, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से वी वोल्ट. तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वोल्ट मीटर में, बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस आर इन सीरीज. समझ में आ रही है बात? हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज द रेंज फ्रॉम 0 टू वी बाय 2 वोल्ट. वो कह रहा है जी मेरे से ना ज्यादा वोल्ट का वोल्ट मीटर बन गया, रेजिस्टेंस मैंने इतनी लगा दी कि वो वोल्टेज वी मेजर कर रहा है और मुझे कितनी मेजर करनी है, वी बाय 2. तो मैं क्या चेंज करूंगा रेजिस्टेंस? आर की जगह आर डैश. तो आर डैश क्या करूंगा ये बताओ. तो अब गैल्वेनोमीटर तो वही है जो है. तो दो केस बनेंगे. पहला केस, आर का फॉर्मूला सबको पता है, आर के फॉर्मूले का एलसीएम लेके ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो आई जी की वैल्यू आ गई वोल्ट मीटर में, राइट. तो केस नंबर वन, अगर उसने रेजिस्टेंस आर लगाई और गैल्वेनोमीटर ने वही काम करना है आई जी, गैल्वेनोमीटर हर बार वही करंट मेजर करेगा आई जी. तो पहले केस में अगर रेजिस्टेंस आर लगी तो वोल्ट मीटर ने क्या रीडिंग ली? वी, करंट आई जी. केस नंबर टू में गैल्वेनोमीटर में कोई चेंजिंग नहीं है तो करंट अभी भी गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करेगा? आई जी. पर वोल्ट वी की जगह क्या हो जाएगा? वी बाय टू. और आर की जगह आर डैश. क्लियर है यहां तक? चेंज सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होंगी, आर और वी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में कोई गैल्वेनोमीटर मीटर चेंज ही नहीं किया, इसलिए ना तो जी चेंज होगा ना आई जी चेंज होगा. तो क्योंकि ये भी आई जी दोनों को इक्वेट कर लिया, वी से वी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहां से रेजिस्टेंस आर डैश की वैल्यू आ गई आंसर. तो ऑप्शन ऐसे मार्क करना है. कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है यहां तक? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है, व्हेन अ गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन स्केल एंड 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम. पहले मुझे ये बताओ कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि गैल्वेनोमीटर में 30 डिवीजंस हैं तो वो डिफ्लेक्शन हो सकती है, क्योंकि डिफ्लेक्शन अल्फा एंगल को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं. या तो वो 30 डिग्री बोल दे, या 30 रेडियंस बोल दे, या 30 डिवीजन बोलते. तो एंगल अल्टीमेटली तीनों में से एक टर्म मान लो ये अल्फा है. अब क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी पता है और गैल्वेनोमीटर किसके साथ कनेक्टेड है? सीरीज में एक बैटरी के साथ. और बैटरी की वोल्ट कितनी है? 3. और रेजिस्टेंस कितनी है? 200. तो टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की और बैटरी की क्या बनेगी? दोनों को ऐड कर दो. इसकी रेजिस्टेंस क्या है? गैल्वेनोमीटर की 100 और बैटरी की 200. तो टोटल कितनी? 500. क्लियर है यहां तक? तो 500 ओम हो गई. क्या निकालना है? फिगर ऑफ मैरिट इन माइक्रो एम्पियर. देखो फिगर ऑफ मैरिट के लिए आई का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था. फिगर ऑफ मैरिट और करंट सेंसिटिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते बताया था. करंट सेंसिटिविटी थी अल्फा बाय आई और फिगर ऑफ मैरिट है आई बाय अल्फा. तो आई बाय अल्फा ही आ गया. तो ये आई बाय अल्फा है. अब इस क्वेश्चन में आई किसका? गैल्वेनोमीटर का. तो आई की जगह आई जी बाय अल्फा. गैल्वेनोमीटर का करंट तो आसान है क्योंकि बैटरी के वोल्ट पता है और गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 200 और 100 मिला के आंसर माइक्रो एम्पियर में करना है. क्लियर है यहां तक? आई आ गया, आई जी आ गया, आई जी आ गया. नंबर ऑफ डिवीजन तो आपको पता ही है कितनी? 30 है. तो यूनिट्स आ जाएंगे माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन आंसर. समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को? सर आपने यहाँ पे आई जी भी लिखा हुआ, आई जी बाय अल्फा, क्योंकि बात फिगर ऑफ मेरिट किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो आप? गैल्वेनोमीटर की. गैल्वेनोमीटर, यस सर. और गैल्वेनोमीटर उस बैटरी के साथ किस में कनेक्ट है? सीरीज में. तो करंट तो गैल्वेनोमीटर का ही होगा ना आई जी? ओके सर. एक ही तो करंट है इसमें. यस सर. नेक्स्ट.
मल्टी रेंज वोल्ट मीटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर एज शोन. तो वोल्ट मीटर जो है वो बनाया जा सकता है गैल्वेनोमीटर से एज शोन. वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ वोल्ट मीटर दैट कैन मेजर 2 वोल्ट 20 वोल्ट 200 वोल्ट बाई यूजिंग दिस मल्टी रेंज वोल्ट मीटर. कैसे? वो कहता है अगर आप इन दोनों को मत यूज करें तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो ये वोल्ट मीटर हो गया. ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? 2 वोल्ट. अगर आप इसे ना कनेक्ट करें, इसे इसे छोड़ दें और इसे छोड़ दें तो रेजिस्टेंस बढ़ा दी आपने गैल्वेनोमीटर के साथ, टोटल रेजिस्टेंस R1 and R2 है और वोल्ट क्या मेजर करेगा? वो 20. और लास्ट में अगर इन दोनों को हटा दें तो गैल्वेनोमीटर के साथ 3 रेजिस्टेंस बढ़ गई तो क्या वोल्ट मेजर करेगा? वो 200. तो बन गया ना मल्टी रेंज. तो R1 R2 की वैल्यू बताओ और क्वेश्चन में गिवन है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ करंट इज 1 mA. तब वो करंट पता है 1 mA है किसका? गैल्वेनोमीटर का. तो IG की वैल्यू गिवन है क्योंकि करंट तो गैल्वेनोमीटर ही मेजर कर रहा है. IG गिवन है, आपको इसमें G की वैल्यू भी गिवन है. तो हमने ये फॉर्मूला R प्लस G का किया हुआ है वोल्ट मीटर में, बनना तो वोल्ट मीटर है. तो केस नंबर 1, जब G के साथ R1 कनेक्टेड है तो G+R1 और राइट साइड पे V कितना मेजर करेगा? 2. और IG तो आपको पता ही है, यहां से सॉल्व करके R1 आ गया. दूसरे केस में जी के साथ क्या कनेक्टेड है? R1 and R2 और वोल्ट क्या मेजर कर रहा है? 20. करंट गैल्वेनोमीटर का सेम है. अब आपको पिछले पार्ट से R1 पता तो यहां से R2 आ गया. तीसरे केस में जी के साथ क्या कनेक्टेड है? R1 R2 and R3. वी 200 हो गया, करंट वही है. तो पिछले केस से R1 R2 पता, यहां से R3 आ गया. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि मल्टी रेंज वोल्टमीटर कैसे बने.